हेलो रिंकू जी, बहुत बढ़िया। और ये इवेंट देखकर तो मतलब ऐसे घोड़े की तरह मेरे सारी एनर्जी आ गई है ना, इतना मजा आया मुझे यहाँ पे। थैंक यू संबंधी, अरे चली गई। थैंक यू सो मच। गेम तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक जितनी रिस्पेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे मैं ले पाई, हाई, सो आई थिंक इट वॉज रियली नाइस। बहुत मज़ा आया एक्सपीरियंस। आपने ये गेम देखा, कितना मजा आया? और अब बिग बॉस का जो गेम देख रहे हैं उसमें कितना मजा आ रहा है? मैच ही नहीं है यार, घोड़ों का खेल है वहाँ इंसानों का, है ना? तो बिल्कुल ये तो बहुत ही अलग चीज है। एंड आई होप मुझे मौका मिले ये खेलने का तो नहीं बट घोड़ा चलाने का। बिग बॉस के वहाँ जो घोड़ा था वहाँ पर तो ऊपर भी नहीं बैठ पाए हो, पर यहाँ असली घोड़े देख कर मजा आ गया डेफिनेटली। मुझे मेरे लिए मेरे दो दोस्त हैं, मुनव्वर और अभिषेक। वो सलमान सर के लेफ्ट और राइट में दोनों एक एक जन खड़े हो जाए, मेरे लिए गेम विन है। फिर सर किसी का भी हाथ उठाए, क्योंकि मैं अपने दोस्तों में प्रायोरिटाइज नहीं कर सकती ना कि मुनव्वर जीते तो अभिषेक के लिए बुरा लगेगा, अभिषेक जीते तो मुनव्वर। तो वहाँ तक दोनों पहुँच जाए मेरे लिए जीत है। जरा परवाह नहीं थी कि मुनव्वर गिर के उसे बहुत गंदी वाली चोट लग सकती थी। अगर आप उस क्लिप को देखेंगे जहाँ पर मुनव्वर ने जंप मारा, उसके आगे लकड़ी की बेंच है, उसके पीछे वो सीमेंट का पूरा जो जिसमें पेड़ की गुलाई है, मतलब मुनव्वर का अगर बैलेंस जाता ना तो बहुत खतरनाक हो जाता। मतलब ठीक है गेम है सब कुछ है, बट इतना क्या कि किसी की जान की भी परवाह नहीं। इतना टॉर्चर टास्क भी हो रहा है काफी हम लोगों के, ठीक है ना? तो फिर जब टॉर्चर इतना किया और फिर खुद ही हार गए सारा सामान संभाल के, तो फिर बिग बॉस ने बोल दिया जाओ खेलना ही नहीं है। ठीक है, फिर कंटेस्टेंट से बिग बॉस की बात मानी और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपके हिसाब से विनर कौन है? एक मिनट हाय रिंकू जी, सबसे पहले तो आप इस गेम शो में आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? बिग बॉस का गेम और यहाँ के गेम में क्या फर्क लग रहा है? मुझे यहाँ का गेम इतना मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ घोड़े भाग रहे हैं, वहाँ इंसानों के दिमाग भाग रहे हैं। बट खैर दोनों का कोई मेल तो है नहीं, बट दोनों अपनी जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इंसान के दिमाग से खेलना, खुद के दिमाग से खेलना, और यहाँ पर जो हमने देखा है पोलो मैच, आई मीन इट इज़ माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। तो वो बिग बॉस एक्सपीरियंस भी उतना ही मेरे लिए खूबसूरत था जितना कि ये वाले मैच का। आप खुश हैं? कुछ तो बोलो। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली अभिषेक का पीछा छूटा। आई एम वेरी अनहैप्पी विद विक्कीज बिहेवियर ऑन दैट, कि ठीक है एक स्ट्रैटेजी, एक गेम, एक दिमाग चलाना, एक मैन्यूपुलेट करना अपनी जगह, बट किसी को फिजिकली हार्म हो जाए इट्स नॉट डन, यू नो। और वो बहुत इंटेंशन था, जब मुनव्वर उसे बोल भी रहा है कि विकी भाई मैं गिर जाऊंगा मुझे लग जाएगी, बट ही डिडंट केयर एंड इट इज नॉट रियली नॉट करेक्ट, इट्स नॉट राइट। अब क्या ही बोले, एक तरफ अंकिता ने बैकफुट ले लिया था जहाँ तक मुझे याद है, ये कह के कि मुन्ना मैं बैकफुट ले लेती हूँ अपनी दोस्ती से ताकि मेरी तुझसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे, बट इन द लास्ट वीक सिवाय एक्सपेक्टेशन या ओवर एक्सपेक्टेशन की कुछ नज़र नहीं आ रहा है अंकिता का मुनव्वर से, तो फिर वो आई स्टिल कैन अंडरस्टैंड कि वो है कौन। मेरे हिसाब से विनर मेरे लिए अभिषेक और मुनव्वर दोनों हैं, और किसी का भी हाथ ऊपर जाए मैं दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। इसे जरा मुंह पलटा ना, मैं तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भाग रहा हूँ। कुछ बोलता नहीं, अच्छा है। हम लोग ने भी फोटो खिंचवाया है। हाँ जी, हम लोग ने भी फोटो खिंचवाया है, कुछ करता नहीं, कुछ नहीं करता, अच्छा है। ब्यूटीफुल है यार, अरे बहुत दूर है। डरो मत। हम दोनों यहाँ पर मैच देखने आए हैं, पोलो मैच, एंड
नॉट टू फॉरगेट मेरी सिस्टर की वजह से हम दोनों ने एक एक फ़ोटो खिंचवाई है मिसेज बिरला के साथ एंड दी ऑनरेबल गवर्नर के साथ, तो वो हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले बहुत जल्द। थैंक यू। बस अब दुआ करो ये भी बिग बॉस में चली जाए। मैं तो थोड़ी शांत किस्म की थी, ये आपको दिखेगी ऐसे इन घोड़ों की तरह दौड़ती हुई। घोड़ों की तरह दौड़ती हुई नहीं, घोड़ों की तरह दौड़ाती हुई। हाँ वो है, हाँ दौड़ती दौड़ाती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।